गड्ढे बहुत हैं इधर। भाई साहब हम यहाँ के व्यापारी हैं इस रोड के, क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में? इस रोड की स्थिति आप खुद ही देख रहे हो या आपने कैमरे में भी कैद कर लिया है। अब कंडीशन ये है, यहाँ से कांवर यात्राएं भी निकलती हैं, उसमें भी लोगों को परेशानी है और आम आदमी तो परेशान है ही। रोज़ गड्ढे हैं, गड्ढों में रोज़ मोटरसाइकिल वाले बेचारे जब पानी भर जाता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढा है कहाँ सही है। तो उसमें गड्ढों में मोटरसाइकिल वाले बेचारे, कल एक लेडीज़ बेचारी इससे अपनी स्कूटी से जा रही थी, वो भी बेचारा उसका पलट गई, तो पलटने के बाद दो चार लोगों ने उठाया उसे निकाला बड़ी मुश्किल से। तो ये बहुत परेशानी है नगर निगम को। नगर निगम में आपने शिकायत करी? नगर निगम को सोचते, दसियों बार ये वाइट जा चुकी है, दसियों बार उस पर कोई गौर नहीं हो रहा। कभी अभी गड्ढे उड्ढे भर दिए थे उन्होंने। क्या चाहते हैं नगर निगम के खिलाफ? क्या चाहते हैं नगर निगम के खिलाफ? तो कुछ नहीं, नगर निगम से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपना यहाँ जो दिक्कतें हैं परेशानी है इसको पब्लिक की दूर करें, यहाँ रोड थोड़ा सही हो जाए, बस यही। ये कब से परेशानी आ रही है लोगों? सालों हो गए, आते हैं वो गड्ढे उड्ढे ऐसी मिट्टी उट्टी डाल के फाड़ जाते हैं, थोड़ा सी बारिश होती है उसमें फिर वो गड्ढे फैल जाते हैं। योगी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? योगी सरकार से बस यही कि जो विकास में जो कमियाँ हैं उसे पूरी तरीके से उसको पूरा करें। आपको लगता है स्मार्ट सिटी बनेगी? कंडीशन तो यही होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट सिटी ऐसे थोड़ी बनेगी जैसे गड्ढे रोडों पर पड़े हुए हैं, तरह तरह की गंदगी चारों तरफ फैली हुई, इससे स्मार्ट सिटी थोड़ी हम कह सकते हैं। बनना है और बनना चाहिए स्मार्ट सिटी। क्या शुभ नाम है आपका? इसमें सही हो क्या शुभ नाम करना और पूरा पूरा प्रशासन। शुभ नाम क्या? आप कब से देख रहे हैं इस रोड को? इस रोड को कब से देख रहे हैं? इस रोड पे तो हम बहुत जमाने से बैठे हुए हैं, लेकिन ये गड्ढे वड्ढे जो हैं लगभग 3-4 साल से यही पोजिशन में, बरसात में सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है, आम दिनों में थोड़ा ये है कि गड्ढा रोड में।